On his birthday, Bobby Deol interacted with the media and the actor reacts on Salman Khan, Race 3 and speaks on his career till now. Take a look at his interview. Thank you. नहीं मैं लकी हूँ मैं धर्मेंद्र का बेटा हूँ तो वो अभी तक इतने बड़े नहीं दिखते तो उनका ब्लड उनके जीन्स है मुझ में और पर मैंने मेहनत भी बहुत की है अपने आप को तंदुरुस्त रखने में और उसकी वजह से आज मैं ऐसा दिखता हूँ और आप लोग ने इतना और मुझे इनकरेज किया जब भी सब मिलते हैं आप लोग कि आप मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ तो इट रियली इनकरेजेज मी एंड मैं ये कहना चाहता हूँ सबको कि व्हेन यू आर हेल्दी You always achieve and be happy with life. So stay healthy always. ऐसा कुछ मैं बस बहुत सिंपल हम बहुत सिंपल लोग हैं हम इतनी पार्टीज नहीं रखते बस मेरी सिस्टर्स आई हैं उनके हस्बैंड्स आए हैं साथ में मेरी सिस्टर बड़ी सिस्टर दिल्ली से आई है उससे छोटी है जो अमेरिका से आई है फिर मेरे हम जॉइंट फैमिली में रहते तो मेरी चाचा की बेटियाँ सब आए हैं अमेरिका से तो बहुत खुश हूँ कि सब कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है कि बॉबी की शादी पे आ रहे हैं हम लोग क्योंकि हम एक साथ इतना कभी इकट्ठे नहीं हो सकते ना सब दूर रहते हैं तो आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ देम केम मामू मेरा मतलब बड़े भाई जैसा है उसने हमेशा मतलब मेरी फैमिली के साथ उसके अटैचमेंट्स हैं एंड डेफिनेटली ही डेफिनेटली वॉन्ट विल बी हियर एंड टू विश मी और मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके जैसा इंसान इस इंडस्ट्री में ऐसे है नहीं वो एक ही है एक मेरा मामू मेरा दोस्त मेरा भाई एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इतने ये दो तीन सालों में आई हैव गॉट टू नो हिम मोर एंड इट बी रियली नाइस टू हैव हिम एट होम एंड बाकी मेरे परिवार हैं मेरे दोस्त पुराने जिगरी चड्डी मतलब हमारे जो चड्डी यार सब आने वाले हैं I don't know. I मेरे को ऐसा लगता है कि I've just begun my life. You know, it's just the start of everything for me. And I'm just excited कि मेरे में भी इतनी energy है और इतनी आग है कि मैं बस जितना हो सके मेहनत करके और काम करना चाहता हूँ यही सोचते रहता हूँ कि 10 साल पहले क्यों नहीं थी मेरे में ये energy. But it's never too late. मेरे पापा आई मीन उनके जैसे मुझे उनके जैसा कोई है ही नहीं इंसान इस दुनिया में ये नहीं कि वो मेरे पापा है लेकिन पूरी दुनिया यही कहती है और ही इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ और पापा भी बहुत खुश होते हैं मुझे भी देख कर कि तूने इतनी मेहनत की है और हमेशा बस कहते रहते हैं तेरी चाल भी बदल गई है तो एकदम सॉलिड लग रहा है मैं बोला हाँ जी पापा भैया ऑल्सो उनकी बैक की कितनी प्रॉब्लम रहती हैं लेकिन वो कभी मेहनत से हटते नहीं हैं एंड ये सब चीज़ें मैंने मेरे घर में थी और मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया कि इतने लोग हैं जो इतना हार्डवर्क करते हैं गिव अप नहीं करते सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई पुश माई सेल्फ हार्डर एंड वेरी ब्लेस्ड टू बी देयर सन एंड ब्रदर It's a news report from Nexon World.